माँ भगवती अम्बम मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देवी के प्रति उनकी आस्था किसी से छिपी नहीं है। नवरात्र के पूरे व्रत प्रधानमंत्री रखते हैं, तो भगवती अम्बम के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी माँ भगवती अम्बम मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। पूजा अर्चना के ठीक बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का उनका प्रोग्राम है और यहाँ पर दो दिनों तक मेडिटेशन करते पीएम नजर आएंगे। पीएम का पूरा प्रवास कुल मिलाकर के 45 घंटों का होने वाला है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ में अभिषेक विजय जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे चुनाव खत्म होने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रुख करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं और उससे पहले मां भगवती के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए पूजा, अब से मतलब एक घंटे का भी वक्त नहीं बचा है, महज 55 या 54 मिनट कहें तो बचा है और चुनाव प्रचार का शोर जो है वो आज थम जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए कि 2024 के इलेक्शंस के लिए नेता अब आगे प्रचार सिर्फ 54 मिनट करने वाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दो दिन जो हैं वो रहने वाले हैं कन्याकुमारी में, विवेकानंद रॉक, जहां पर वो जाकर के मेडिटेशन करने वाले हैं। इससे पहले पूजा आपको याद होगा कि केदारनाथ से तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पे साधना की थी और उनके ध्यान ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। ये भी बड़ी बात है क्योंकि अब देखिए विपक्ष जो है इस पर हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि आप ठीक है मेडिटेशन कीजिए लेकिन ये दिखाया ना जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये चुनाव जहां हो रहे हैं वहां से बहुत दूर है। अब वो खबरें तो चलेंगी ही चलेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसको कहा जा रहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, बहरहाल ये चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 जून को कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर कोई है तो वो वाराणसी की है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। तो अब देखिए 57 सीटों की लड़ाई अब बाकी है और उसके बाद 4 जून का सबको इंतजार है क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से दावे कर रहा है, किसके दावे में कितनी हकीकत कितनी सच्चाई, 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज रूम से और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का शोर थम जाने के बाद सीधे विवेकानंद